नमस्ते, मैं डॉक्टर रामदेव मौर्या, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट। फिर से हमारे चैनल पारस होम्योपैथी जोधपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके प्यार स्नेह, बहुत अच्छे से जो कमेंट्स करते हैं, उनकी वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है उसका जुनून से जुनून सोल्यूशन हम आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम के अंदर आज हम बात करेंगे एग्नस कास्टस के बारे में। दोस्तों, एग्नस कास्टस का जो रोल रहता है वो मेल और सेक्सुअल दोनों ही ऑर्गन्स पे रहता है, लेकिन इसको जो मेन माना जाता है, मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स के लिए प्रोमिनेंट मेडिसिन के रूप में जाना जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि दोस्तों, ये कैसे कैसे वर्क करती है, इसके किन कारणों की वजह से सिम्टम्स डेवलप होते हैं और क्या क्या सिम्टम्स के बेस पर इसको सेलेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, इसी पर बात करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, उसके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जो हमारे लेटेस्ट वीडियोज आ रहे हैं उनका अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि जो सेक्सुअल ऑर्गन्स की जो डिजीज होती है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, मेन जो सेक्सुअल डिसऑर्डर होते हैं, ये ज्यादातर केस देखने को मिलते हैं, वो होते हैं एग्नस कास्टस के। तो उनका कारण क्या रहता है कि पहले भी हमारा इससे रिलेटेड वीडियो आ चुका है दोस्तों, साइडोनिया वल्गरिस और डेमियाना, यानी डेमियाना के जो केस होते हैं वो साइकोलॉजिकली होते हैं, यानी कि ज्यादातर जो केस होते हैं दिमाग से उनकी उपज होती है, लेकिन एग्नस कास्टस के जो मरीज होते हैं उनका कारण होता है फिजिकली वीकनेस, या उसके साथ साथ के अंदर जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं मेंटल सिम्टम्स, यानी प्रोमिनेंट उसके अंदर रहता है फिजिकल वीकनेस। यानी कि अब बात करेंगे कि दोस्तों, ये जो मरीज होते हैं किस तरीके के दिखने में लगते हैं और इसके सिम्टम्स कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। तो अपन इसका सबसे बड़ा जो मेन कारण रहता है एग्नस कास्टस का, वो रहता है कि बचपन की गलतियाँ, यानी कि छोटी उम्र के अंदर अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस के अंदर अगर आप हस्तमैथुन के आदत आपके लत आपको पड़ जाती है, उसकी वजह से धीरे 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 बॉडी के अंदर वीकनेस और सेक्सुअल ऑर्गन्स के अंदर धीरे धीरे वीकनेस आने लग जाती है और एक चीज़ डेवलप होती है, इम्पोटेंसी या नामर्दानगी। तो इन सिम्टम्स को कवर करती है एग्नस कास्टस। दोस्तों, इनके जो मरीज होते हैं एग्नस कास्टस के, वो देखने के अंदर बिल्कुल दुबले पतले और एकदम से चेहरा दसा हुआ और अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े नज़र आते हैं, यानी 20 साल का लड़का ही 30 साल का देखने को दिखता है, ऐसे मरीज होते हैं। और ये लोग, इनको घर वाले खाना खूब खिलाते हैं, खाना खाने खूब खाने के बाद भी स्थिति रहती है, उनको भूख अच्छी लगती है, लेकिन उन देखने में पतले दुबले पतले नज़र आते हैं। तो दोस्तों, उनके पेरेंट्स को ध्यान देने की बात होती है कि अगर बच्चा अच्छा खाना खा रहा है उसके बाद भी कहीं ना कहीं कोई मेस्टुबेशन की उसको लत तो नहीं है, उसकी वजह से उसके अंदर वीकनेस डेवलप हो रही है। और वो धीरे धीरे जैसे एडवांस उनकी थोड़ी एज ठीक होती जाती है, तो उस टाइम वो शिकार होने लग जाते हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के। तो दोस्तों, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स कैसे स्टार्ट होती है, उनके अंदर क्या क्या भावनाएं आती है, तो मेडिसिन होम्योपैथी के अंदर सबसे जो टॉप प्रायोरिटी दी जाती है मेंटल सिम्टम्स को, यानी उनकी सोच किस तरीके की रहती है। तो दोस्तों, ऐसे जो एग्नस कास्टस के मरीज होते हैं उनके अंदर टोटल ही वो लोग सेक्सुअल बिहेवियर के ऊपर पूरा फोकस करते हैं, बस एक ही चीज़ उनको दिखती है, सेक्स सेक्स। तो उसी से रिलेटेड वो काफ़ी तरीके की मैगजीन्स या पोर्नोग्राफी साइट्स देखते हैं, काफ़ी तरीके के कंटेंट्स उस तरीके के देखते हैं और हर समय उनके दिमाग के अंदर सेक्सुअल चीज़ें ही चलती रहती है, यानी सेक्सुअल इतनी गहराई में चले जाते हैं कि वो हस्तमैथुन के शिकार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस में हस्तमैथुन करते हैं और धीरे धीरे उनके अंदर एक निराशा की भावना आने लग जाती है, बिल्कुल मन नहीं लगता है, बिल्कुल इतने ज़्यादा डल से, बिल्कुल निढाल से पड़े पड़े रहते हैं, किसी तरीके का उनका जो सोशल बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है, लोगों के साथ में अलग तरीके से बिहेवियर करने लग जाते हैं, ऐसे मरीज होते हैं दोस्तों एग्नस कास्टस के। इसके साथ में उनकी अगर टेंडेंसी बढ़ती है, वो निराशा के साथ साथ में डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में कई बार उनके साथ में सुसाइडल थॉट्स भी आती है। वो सुसाइडल थॉट्स क्यों आती है दोस्तों, वो समझने लग जाते हैं कि मेरी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स अभी ठीक नहीं होनी है, मैं बिल्कुल अब कहने का मतलब मैं किसी लायक नहीं रहा हूं और मैं मर जाना ही अच्छा समझता हूं, इस तरीके के थॉट्स उनके अंदर डेवलप होने लग जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि उनके फिजिकल सिम्टम्स किस तरीके के होते हैं। मैंने बताया कि उनको एपेटाइट बहुत अच्छी लगती है, भूख खाना खूब खाते हैं, लेकिन उनके शरीर के अंदर बन नहीं पाता है, ऐसे केसेज में दी जा सकती है ये। इसके साथ में जो उनके ड्रीम्स आते हैं दोस्तों, वो ड्रीम्स भी उनके इसी तरीके के होते हैं, सेक्सुअल रिलेटेड ही ड्रीम्स होते हैं, हर तरीके की पोर्नोग्राफी उनके दिमाग के अंदर ड्रीम्स के अंदर भी चलती रहती है। अब बात करते हैं मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स पे उनका किस तरीके का इफेक्ट आता है। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा अस्तमैथुन करने की वजह से उनके शरीर के अंदर जो एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे पेनिस है, उनके अंदर स्थिरता आने लग जाती है, यानी कि वो बिल्कुल कड़कपन नहीं रह पाता है, धीरे 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 वो कम होता जाता है। इवन ऐसी कंडीशन भी होती है कि बिल्कुल भी कड़कपन नहीं आता है, ऐसे केसेस होते हैं एग्नस कास्टस के, और वो बिल्कुल ठंडे नजर आते हैं, अगर हाथ भी लगाओगे तो वो ठंडे ठंडे लगते हैं। इसके साथ साथ के अंदर उनके जो टेस्टिस होते हैं उन सूजन आ जाती है, हार्ड हार्ड लगने लग जाते हैं और कुछ टेस्टिस के अंदर दर्द भी कई बार महसूस होने लग जाता है, या सेक्सुअल अटेंड करते हैं इंटरकोर्स या फिजिकल एक्टिविटी
तो भी उनके जो स्टेसिस के अंदर पेन उनको होने लग जाता है। दोस्तों एक खास सिम्टम आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं उसके दौरान अगर बॉडी के अंदर किसी भी मसल्स के अंदर खिंचाव अगर महसूस होता हो या दर्द एक ऐठन सी आती हो, उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है एग्नस कास्टस। तो दोस्तों जिन लोगों के बिल्कुल ही स्लिगनेसनेस आ जाती है, स्थिलता आ जाती है, नामर्दान की जिसको बोलते हैं ऐसी स्थिति आती है, तो उनके अंदर बहुत अच्छा वर्क करती है एग्नस कास्टस। दोस्तों इसी तरीके से फीमेल जेनेटल ऑर्गन्स पे भी बहुत अच्छा वर्क करती है एग्नस कास्टस, यानी कि इसी तरीके से स्थिरता उनके अंदर भी आने लग जाती है। फीमेल्स के अंदर इंटरकोर्स या फिजिकल एक्टिव जो है कॉन्टेक्ट करने की इच्छा नहीं रहती है या बिल्कुल उनके ऑर्गन्स के अंदर स्थिरता रहती है। इसके साथ साथ में ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम भी उनको स्टार्ट हो जाती है, ऐसे केसेस होते हैं एग्नस कास्टस के। एग्नस कास्टस को दोस्तों लैक्टेटिंग मदर्स या जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उन माताओं को भी बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर उनके दूध नहीं बन रहा है तो इसके लिए मेडिसिन दी जाती है एग्नस कास्टस। दोस्तों इसके साथ साथ के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं मेनली प्रोमिनेंट होते हैं मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स के ऊपर। तो इसकी जो मेडिसिन की डोज है स्टार्ट की जाती है मदर टिंचर के अंदर। मदर टिंचर का मतलब है इसका मूल अर्क। मूल अर्क की 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार इसको इस्तेमाल की जा सकती है और इसको कंटिन्यू 1.5 से 2 महीने या 3 महीने अकॉर्डिंग टू केस डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके दी जाती है। दोस्तों आप किसी भी अगर आपको सिम्टम समझ में आते हो तो आप ले सकते हैं इस मेडिसिन को। अगर समझ में नहीं आता है तो आप नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके ले सकते हैं, लेकिन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के अंदर आप सही तरीके से अपने आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं ट्रीटमेंट लेने से, तो ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें। दोस्तों अगर आप हमारे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपॉइंटमेंट बुक करके हमारे से भी कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए आप डायरेक्ट जाना नहीं चाहते हैं तो ऑनलाइन कंसल्ट भी संभव होता है, वो आसानी से कर सकते हैं। और होम्योपैथी के अंदर सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए बहुत सारी मेडिसिन होती है, वो सिम्टम्स पे सिम्टम बाई सिम्टम चेंज होती रहती है। तो दोस्तों ज़रूरी है आपका इसकी चीज़ के लिए कि वो सही तरीके से आप इसका ट्रीटमेंट फॉलोअप करें। दोस्तों किसी तरीके की क्वेरी या कमेंट्स हो आप हमारे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाके भेज सकते हैं, या आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, जियो जिंदगी के रंग, होम्योपैथी के संग। धन्यवाद दोस्तों।